आपने आज से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दर्जनों बड़ी रेड के बारे में सुना होगा। बॉलीवुड में इनकम टैक्स रेड पर कई बड़ी फिल्में भी बन चुकी हैं। हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आईटी रेड हमेशा से सुर्खियां बटोरती रही है और आम लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचती रही है। ऐसी ही एक रेड ने फिर करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि ये रेड किसी घर या दफ्तर में नहीं मारी गई, बल्कि ये सब हुआ एक कब्रिस्तान में। जी हाँ, एक कब्रिस्तान में हुई आईटी रेड। आप सोच रहे होंगे कि कब्रिस्तान में तो मुर्दे गड़े होते हैं और इसी के चलते एक आम आदमी वहां जाने से कतराता है। फिर भला वहां इनकम टैक्स की टीम को क्या मिला होगा? लेकिन इस रेड में जितना खजाना मिला उसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। तमिलनाडु में बीते कुछ दिनों के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम ने एक साथ 3 कंपनियों पर रेड डाली, लेकिन यहां पर जो हुआ वैसा आपने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। पैसों की हेरा फेरी से लेकर कंप्यूटर से रिकॉर्ड हटा देना और पैसों को किसी डिलीवरी वैन में छुपाकर शहर में घुमाना और बाद में उसको कब्रिस्तान में छुपा देना ताकि किसी को कोई भनक ना लगे, ये सारी घटनाएं इस दौरान देखने को मिली। जनवरी के आखिरी हफ्ते में तमिलनाडु के मशहूर स्वर्णा स्टोर लॉटस ग्रुप व जी स्क्वायर के करीब 72 कार्यालयों पर आईटी विभाग की टीम ने चेन्नई व कोयम्बटूर में छापा मारा था। आईटी रेड से बचने के लिए कंपनी के मालिकों ने एक बड़ा प्लान बनाया, जिसके चलते करोड़ों की नई करेंसी, हीरे व जेवरात छुपाने के लिए इन तीनों ने काफी कुछ सामान एक कब्रिस्तान में छिपा दिया था। 28 जनवरी को मारे गए छापे में विभाग को ज्यादा कुछ नहीं मिला था। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियों को छापा पड़ने की खबर कुछ पुलिस वालों से पहले ही मिल गई थी। छापा पड़ने की सूचना मिलने के बाद तीनों कंपनियों के कर्मचारियों ने ज्यादातर पैसों, सोना व हीरों को एक एसयूवी में छुपाकर चेन्नई की सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। इस गाड़ी में जो सामान था उसकी कुल कीमत 433 करोड़ रुपए के करीब थी। इनकम टैक्स अधिकारियों को छापा मारने के बाद ये सूचना मिली कि एक गाड़ी चेन्नई की सड़कों पर लगातार चक्कर मार रही है और उसमें काफी काला धन व जेवरात है। इस गाड़ी को जब पुलिस की मदद से ढूंढ निकाला गया तो इसमें कुछ नहीं मिला। हालांकि सख्त पूछताछ के बाद कब्रिस्तान में कई सारे बोरे छुपाने की बात ड्राइवर ने मान ली। इसके बाद इनकम टैक्स अधिकारियों ने ड्राइवर की निशानदेही पर उस कब्रिस्तान में खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में इनकम टैक्स अधिकारियों को करीब 25 करोड़ रुपए नगद, 12 किलो सोना और 626 कैरेट के हीरे बरामद हुए। 28 जनवरी को शुरू हुआ ऑपरेशन 9 दिन बाद खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद भी आयकर अधिकारी फिलहाल कंप्यूटर से डिलीट किए गए डाटा को वापस लाने के लिए आईटी प्रोफेशनल्स की मदद ले रहे हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इन्होंने काला धन और किन किन ठिकानों पर छिपा कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।